दोस्तों, हमने कहा कि आज आपसे वार्तालाप करें देश की आर्थिक स्थिति पे। ये दिन प्रतिदिन की कुछ हद तक चिकचिक वाली न्यूज़ के आधार पे नहीं है, पर्सपेक्टिव ब्रीफिंग है, जिससे आपको अवगत कराया जाए कि आर्थिक ढांचे, आर्थिक स्थिति देश की कितनी दयनीय है। और ये आज और कल की खबर की बात नहीं है, ये अब लगता है कि एक स्ट्रक्चरल तकलीफ हो गई है भारतीय आर्थिक ढांचे को इस सरकार के अंतर्गत। और इसलिए हमको ये दुखद प्रसंग कहना पड़ता है मोदी जी की सरकार को कि मंडियां पड़ी है सूनी, बाज़ार पड़ा है मंदा, मोदी जी जुमलेबाजी का कब बंद करेंगे धंधा। एक तरफ रुपया डूबा है, अर्थव्यवस्था लगा रही है गोता, मोदी जी क्या इसी प्रकार से विकास होता। लेट मी लिस्ट फॉर यू 10 फेलियर्स ऑफ द इकोनॉमी, देर आर मेनी मोर एंड आई डोंट प्रिटेंड टू बी एग्जॉस्टिव, बट लेट मी लिस्ट 10 हेडिंग्स विच आर सीरियस, विच आर स्टेयरिंग द गवर्नमेंट इन द फेस एंड अनफॉर्चुनेटली द गवर्नमेंट इज डूइंग नथिंग बट फिडलिंग और लुकिंग लेफ्ट राइट एंड सेंटर विद नो सोल्यूशंस, नॉट इवन पॉलिसी सोल्यूशंस, मच लेस इम्प्लीमेंटेशन। इन 10 हेडिंग्स का पहला है ऑटो इंडस्ट्री। ये कहने की जरूरत नहीं है कि ऑटो और कंस्ट्रक्शन दो ऐसे सेक्टर हैं जो अपने आप में 10, 20, 21 सेक्टर्स को प्रभावित या दुष्प्रभावित करते हैं। 20, 21 सेक्टर पे उनका प्रभाव होता है एक सेक्टर का। अब सीएम जो कि सोसाइटी है इन सभी ऑटो वालों के, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, उनके प्रकाशित आंकड़े हैं कि जुलाई 19 में, क्योंकि ये मंथ टू मंथ सीजनल आधार पर तुलनात्मक किया जाता है, जुलाई 19 बनाम जुलाई 18 31% घटत हुई है, यानी एक तिहाई। कहते हैं कि कभी नहीं हुआ इतना। मैं आपको पूरे आंकड़े नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको एक प्रकाशित नोट दूंगा जिसमें आंकड़े भी दिए हैं। लगभग इसमें जैसे इस उदाहरण में 2,90,000 से 2,00,000, एक तिहाई कम एक साथ। और कहते हैं कि 20 साल में ऐसा नहीं हुआ, बीच में एक बार हुआ था, उसके पहले भी 20 साल तक नहीं हुआ, यानी 40 साल में एक बार पहले ऐसा हुआ है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, वो सिर्फ गाड़ियों के बारे में अप्रैल से जून 3 महीने का पीरियड लेती है, इस साल का और 18 का। मैं सिर्फ गाड़ियों की बात कर रहा हूं, ऑटोमोबाइल वाला सबके लिए था, 2-व्हीलर 3-व्हीलर सबके लिए। गाड़ी में अलोन 23%, टू बी प्रिसाइज 23.3% ड्रॉप। ये भी 18 साल में पहली बार हुआ इतना, यानी हर अप्रैल से जून के तिहाई 3 महीने को आप त्रैमासिक को तुलना करें तो 2003-04 में पहली बार हुआ था। ये 2-व्हीलर में 12%। ये कहानी सब वैसी है, थोड़ा फर्क हो सकता है आंकड़ों में। ट्रैक्टर, आप बात करते हैं माननीय मोदी जी, 2022 का फिगर आपको पता है, हम डबल कर देंगे, 14% होनी चाहिए ग्रोथ, और ट्रैक्टर गिरा है अप्रैल से जून वही त्रैमासिक के लिए 14.1% से 14.1%। अब आप कृषि को ट्रैक्टर के बिना कोई संभावना या स्वप्न भी देख सकते हैं? और अगर ट्रैक्टर की मात्रा गिर रही है तो सबसे ज्यादा प्रमाण है, ये प्रूफ पॉजिटिव है कि सही हालत क्या है कृषि की। अभी कल की बात कर रहा हूं, मारुति के चेयरमैन ने 3,000 नॉन परमानेंट स्टाफ को हटाने की बात की, घोषणा कर दी औपचारिक। अशोक लेलैंड जो बड़े व्हीकल्स के लिए, कमर्शियल व्हीकल्स बहुत बड़ा उत्पादन करता है, उसने सेम तरह की स्कीम बनानी शुरू कर दी है, ऑफिशियल रूप से प्रकाशित कर दी औपचारिक रूप से। ये मैं समझता हूँ कि मोदी जी का कोई नया तरीका नहीं होना चाहिए रोजगार बढ़ाने का, रोजगार में वृद्धि करने का। अगर ये नया कोई तौर फॉर्मूला है तो हम जानना चाहेंगे कि कौन से जीनियस ने इसको बनाया है। क्या इस नींव पे हम पूछना चाहते हैं आपसे विनम्रता से, भारत डबल डिजिट ग्रोथ प्राप्त करेगा, 5 ट्रिलियन या 10 ट्रिलियन बनेगा, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेगा,
ऑटोमोबाइल सेक्टर की ये दुर्दशा आज की नहीं है दोस्तों, कई महीनों से है, चुनाव के पहले से शुरू हो गई थी। लेकिन जुलाई के बजट में भी आपने क्या ठोस कदम देखा इसके लिए? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नीतिगत निर्णय करना और उसको कार्यान्वित करने की क्या क्षमता है सरकार की। जो चीज़ अप्रैल में जून से चल रही है, बल्कि मैं कहूँगा फरवरी से चल रही है, उसके लिए जुलाई वाला बजट तो आपकी सरकार बनने के बाद हुआ है। कोई ऐसी ज़बरदस्त चीज़ क्या कही है आपने, क्या किया है इसके लिए? और अब अगस्त में आप अचानक देखते हैं, परसों खबर छपी प्रधानमंत्री के भाषण के एक दिन बाद कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी इसी विषय पर बैठे हैं साथ में। बजट तो हो गया और प्रधानमंत्री वित्त मंत्री उसके दो महीने बाद बैठ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? न दिशा, दिशाहीन है, गतिहीन है सरकार। दूसरा, स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज को हम नहीं मानते कि वो अर्थव्यवस्था का कोई नींव है, ढांचा है। मैं भी सहमत हूँ सरकार से, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण होता है जिसलिए देखना पड़ता है, वो द्योतक है भारत सरकार की अर्थनीति और आर्थिक ढांचे में विश्वसनीयता कितनी है, उसका द्योतक रहता है। उसके एग्जैक्ट आंकड़ों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दिशा और डिग्री का महत्वपूर्ण द्योतक होता है स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों आपको मालूम है कि नहीं, 17 वर्ष में जुलाई में जितनी गिरावट हुई है, 18 वर्ष में, 17.5 वर्ष में नहीं हुई। ये शायद कहानी, मैं आपको बड़े सरल फिगर दे रहा हूं, मैं आपको प्रकाशित अंग्रेजी में दूंगा फिगर अभी जो आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होगी। तो अब मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, बीएससी में जो सेंसेक्स जिसको कहते हैं आप, 5% गिरा। मिड कैप और स्मॉल कैप 8 गिरे, 8% परसेंट की बात कर रहा हूं, पॉइंट नहीं। निफ्टी 10% गिरा। एक आंकड़ा पर्याप्त तो होगा, एक महीने जुलाई में बजट के बाद, दोस्तों ध्यान रहे बजट हुआ था जुलाई के शुरुआत में, उसके बाद 13 लाख करोड़ की क्षति हुई है इन्वेस्टर्स की, 13 लाख करोड़। तो विश्वसनीयता क्या है सरकार की, ये प्रमाण है कि कितना विश्वास है, कितनी विश्वसनीयता है। तीसरा हेड, राइजिंग फिस्कल डेफिसिट, और इसका हल नीतिगत नहीं, लुके छुपे फ्रॉड एक कहूँगा मैं, या आडंबर के द्वारा डिस्टॉर्ट करना फिगर्स। ये बहुत दुर्भाग्य वाला मैं आपको प्रसंग बता रहा हूँ। फिस्कल डेफिसिट ध्यान दीजिए आप, 3 दिन बजट के बाद, बजट था शायद 5 जुलाई को, 8 या 9 जुलाई को, फिनेंस कमीशन ने ये माना कि CAG जो हमारी एक संवैधानिक संस्था है, सिर्फ स्टैट्यूटरी नहीं है, कानूनी नहीं है, संवैधानिक है, उसने रिकैलकुलेट किया कि फिस्कल डेफिसिट 17-18 का लगभग 6% है, 5.85% टू बी एग्जैक्ट। सरकार ने बजट में कितना कहा था, मैं 17-18 की बात कर रहा हूं, 3.46%। तो ये तो दिन दहाड़े चोरी और सीना चोरी हो गई। 3.46 को रिकैलकुलेट किया है CAG ने, 6% से थोड़ा कम। CAG ने एक रिपोर्ट लिखी जो फाइनेंस कमीशन के चुप्पी साधनी पड़ी, लेकिन उस रिपोर्ट पर चुप्पी नहीं हो सकती। उसमें लिखा है कि फिस्कल रिस्क ड्यू टू नॉन ट्रांसपेरेंसी, कोट अनकोट। अब इसका इफेक्ट आप जानते हैं, अगर 17-18 में 5.85% है, तो अगले वर्ष 18-19 में नेचुरली होगा वो हो जाएगा 6.1%। कहा कितना सरकार ने आपसे, 3.4%। आई एम टॉकिंग ऑफ फिस्कल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ GDP। और ये हुआ किस लिए? इसका एक महत्वपूर्ण कारण था कि आपने जो प्रोजेक्शन दिया उसमें कहा कि हम खर्चा करेंगे 100 रुपये, हमारी आमदनी होगी इतनी होगी टैक्स की, बहुत जबरदस्त आमदनी होगी टैक्स की। तो आपको बाद में 1.46 लाख करोड़, 1.46 लाख करोड़ से एक्सपेंडिचर को रिवाइज करना पड़ा,
क्योंकि टैक्स की रिसीट्स आपने बहुत ओवर एस्टिमेट कर दी थी कि मुझे इतना टैक्स मिलेगा। तो नेचुरली अगर आपकी टैक्स रिसीट्स बहुत कम हुई और खर्चे आपने पहले से प्रोजेक्शन के आधार पर कर दिए, प्रोजेक्शन था मैं 100 रुपये मिलेंगे टैक्स से तो मैं खर्चा कर दूंगा 90 रुपये, मिला सिर्फ 50 रुपये या 60 रुपये, तो निश्चित रूप से फिस्कल डेफिसिट 5.9% या 6% रिवाइज एस्टिमेट्स में हुआ है। अब मैं कहना चाहता हूं कि किसी मंत्री ने, प्रधानमंत्री इतने ज़बरदस्त प्रखर और मुखर वक्ता हैं, आपसे ये सही बात सीधी बात की कभी, मन की बात या बेमन की बात की कभी? इन आंकड़ों को सर कम से कम शेयर तो करना चाहिए। देखिए आंकड़े तो कभी कभी निकलेंगे बाद में। ये विश्वासघात है, एक प्रकार से लुका छिपी है, और ये वैसी ही बात है जैसा कि आपने चुनाव के पहले रोजगार के आंकड़ों को छुपाने का प्रयत्न किया था, प्रकाशन नहीं होने दिया, आपसे वार्तालाप नहीं किया, आपसे शेयर नहीं किया। चौथा हेड, जीडीपी फिगर्स। हम देश को डबल डिजिट बना देंगे। डबल डिजिट होता है 9 के बाद 10वां अंक पहला होता है डबल डिजिट। हम कृषि को डबल कर देंगे। अब इन चीजों में देखिए भारत अकेला नहीं है, IMF भी है, विश्व भर देखता है आपको, एजेंसी आपको रैंक करती हैं। पहली बात, हम 7वें बड़े इकोनॉमी बन गए, 2 रैंकिंग गिर गए, UK के पीछे हो गए, फ्रांस के पीछे हो गए। हम 5वें पे चल रहे थे और हमारा दावा था कि हम 3रे बन जाएंगे, तो हम अभी 7वें हो गए हैं। खैर वो छोटी बात है, वो तो बदलता रहता है, उसको छोड़िए आप। जब वो $5 ट्रिलियन की 2024 की बात कर रहे थे, तभी एस्टिमेट्स GDP के जो जनवरी से मार्च का क्वार्टर है त्रैमासिक, उसमें एक्चुअली GDP था 5.8% ग्रोथ, 5.8%। पिछले सरकार मोदी 1.0 में ये लोएस्ट था। इसका मतलब एक प्रकार से मोदी 1.0 से 2.0 आगे बढ़ोतरी नहीं, रिग्रेशन हो रहा है, आप पीछे कदम ले रहे हैं। यानी मोदी साहब के 5.5 या 5.5 साल के कार्यकाल में ये सबसे खराब 5.8 था। आज विश्व भर में हमारे GDP एस्टिमेट को 6.5 से ज़्यादा कोई नहीं मानता रियलिस्टिक। और ये वो आंकड़े हैं जो रिवाइज सो कॉल, वो जो नया बेस बनाया था आपने और जो कांग्रेस को अपमानित करने के लिए इतने सारे आपने दावे किए थे, उसके आधार पर 6.5 बन रहा है। मैं मानता हूं कि जिस रेट पे हम चल रहे हैं 6 भी हो सकता है, भगवान न करे 6 हो जाए, लेकिन 6.5 से ज़्यादा तो ये डबल डिजिट कौन सा? आप डेसिमल को छोड़कर दोनों डिजिट को काउंट कर रहे हैं या डेसिमल को भी काउंट कर रहे हैं? श्रिंकिंग लेबर फोर्स मेरा 5वां हेड है। रोजगार के बारे में आप जानते हैं, उस वक्त तो आपने प्रकाशन रोक दिया, अब तो प्रकाशित हो गई है। आपको याद है स्टैटिस्टिकल कमीशन के 3 लोगों ने इस्तीफा दिया था। आपको याद है कि दुनिया भर में लोग कह रहे थे कि भाई रोजगार कहाँ है, तो हमको बताया गया कि हलवाई के यहाँ पर है, पकौड़ों वालों के यहाँ पर है, इतने सारे लोग घूम रहे हैं चारों तरफ, उनके पास जरूर रोजगार होगा। वो क्या कहते हैं, प्रोविडेंट फंड में हम नाम डाल रहे हैं तो जरूर रोजगार का द्योतक है वो। लेकिन इतने सालों में पहली बार हुआ कि सरकार ने औपचारिक लेबर एम्प्लॉयमेंट रेट प्रकाशित नहीं की 5 वर्ष में, कभी नहीं हुआ, किसी सरकार में नहीं हुआ। हमारे वक्त भी गिरा था, हमने प्रकाशित की थी। सरकार में किसी देश को अगर आप बोलें कि आपके पास ऑफिशियल एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट रेट नहीं है तो लोग मजाक उड़ाएंगे आपकी, कोई प्रकाशित ही नहीं हुआ। नहीं तो अगर प्रकाशित हो जाता तो फिर हलवाई और पकौड़ों की बात कैसे करते? उसके बाद जो प्रकाशित हुए हैं उनसे मालूम पड़ता है कि लगभग 90 लाख से गिरा है 11-12 से लेके 17-18 तक लेबर फोर्स का जो टोटल वर्क फोर्स है उसमें जो घटोती हुई है। एग्रीकल्चर में, कृषि में 26.7 मिलियन यानी 2.6 करोड़ ज्यादातर महिलाएं। मैन्युफैक्चरिंग में 35 लाख, मेरे पास और कई आंकड़े हैं आपको लिखे दे रहा हूं मैं, लेकिन आप इनको छोड़ दीजिए, बढ़ोतरी क्या हुई? हम तो रोजगार की बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं। कम से कम एक तो प्रकाशन करी सिर्फ ये कह के कि हमने मुद्रा लोन दिए तो मान के चलिए कि रोजगार बढ़ गया,
ये कैसे मान सकता है कोई? सरकार का सिस्टम होता है, नेशनल स्टेटिस्टिकल कमीशन के व्यक्ति ने रिजाइन क्यों किया? क्योंकि उनके फिगर कह रहे हैं, सीएमआई जो कि स्वतंत्र संस्था है वो उनके फिगर आंकड़े कह रहे हैं। मेरा छठा हेड जो ऑटोमोबाइल सेक्टर से भी संबंध रखता है, यानी कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट, जैसा मैंने कहा ये दो अपने आप में 20-20 सेक्टर को प्रभावित या दुष्प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। रियल एस्टेट आप जानते हैं, कहते हैं कि 250 एंसिलरी इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट करता है, ब्रिक्स, सीमेंट, स्टील, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक्स, पेंट, 250 एंसिलरी इंडस्ट्रीज को। रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म है लियास फोराज, वो यही काम करती है प्रकाशन करने का। उसने कहा कि 30 सिर्फ अगर बड़े शहर लें आप, भारत के सबसे बड़े शहर, क्योंकि ये द्योतक होता है डिमांड का, कंस्ट्रक्शन का, बेचने का, कंज्यूमर डिमांड का, कंजम्पशन का, जिसके आधार पर जीडीपी ग्रोथ होती है। उनका कि 30 शहरों में लगभग 13 लाख घर बने बनाए तैयार खड़े हैं, बिक नहीं रहे हैं, वेटिंग टू बी सोल्ड है, उस रिपोर्ट में लिखा है। इसी चीज को उन्होंने महीनों के हिसाब से काउंट किया, क्योंकि आप जानते हैं कि एक ही इंजन की तरह होता है फ्यूल, कि अगर आप जो निर्माता होता है बिल्डिंग का उसको पैसे नहीं मिलेंगे जल्दी तो वो अगली बिल्डिंग नहीं बना सकता, उसका काम रुक जाता है। तो उन्होंने महीनों के आधार पर इसी चीज को कहा, तो कहा कि महीनों की जो वेटिंग पीरियड इसको कहते हैं, कोची में 80 महीने बेचने के लिए, 80 महीने कितना होता है, 6-7 साल लगेंगे आपको अपना रिकवर करने को बेचकर, तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी। 59 मंथ्स इन जयपुर, 55 मंथ्स इन लखनऊ, 72 मंथ्स इन चेन्नई, और सबसे बुरी हालत उन्होंने कहा कि सिर्फ 8 शहर लें आप, मुंबई, NCR, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे इत्यादि, तो वहां अकेले इन 8 शहरों में 10 लाख घर बिना बिके हैं। और एक तरफ आप रोजगार की बात करते हैं माननीय प्रधानमंत्री, एक तरफ आप 7.5-8.5 और डबल डिजिट ग्रोथ की बात करते हैं, और अगर ऑटो और रियल एस्टेट की ये हालत है जिनका लगभग सैकड़ों एंसिलरी से संबंध है, तो ये कौन सा जादुई छड़ी है आपके पास जिससे आप बरगला रहे हैं देश को, आडंबर कर रहे हैं। सातवां मेरा, डाउनग्रेडिंग बाय क्रेडिट एजेंसीज। अब क्रेडिट एजेंसीज की मैं वैसे बात नहीं कर रहा हूं कि आज इतना है कल उतना है, क्रेडिट एजेंसीज हर दिन बल्कि हर घंटे आपका ग्रेड उठाते हैं, बढ़ाते हैं, उनका काम ही ये है, ग्राफ की तरह फॉलो करते हैं। अब प्राइम डेटाबेस जो इस बात को ट्रैक करता है कि आपने कितनी बार बढ़ाया कितनी बार घटाया, उन्होंने कहा कि उन्होंने घटाया 167 टाइम्स इन द लास्ट 6 मंथ्स एज अपोज टू अपग्रेड 73 टाइम्स। नॉर्मली इसका विपरीत होता है, अपग्रेड कहीं ज्यादा होता है, इस बार डाउनग्रेड से अपग्रेड लगभग डबल था, डबल से ज्यादा था, 2:1 था। और उन्होंने कहा कि डाउनग्रेड जब इतनी बार होता है, 167 बार, अपग्रेड से डबल, इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि विश्वसनीयता इकोनॉमी की वापस अपने पैरों पर खड़े होने की बहुत 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 कम है। रुपया, आजकल आपने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री ने 56 इंच की बात तो खत्म ही कर दी, बात ही नहीं करते हैं उसके बारे में, 56 इंच तो बहुत पीछे रह गया, अभी हम 72 रुपये के आसपास चल रहे हैं, 71 है और सब मानते हैं कि 72 हो जाएगा। आपको मालूम है कि एशिया की सबसे खराब करेंसी मानी गई है अगस्त में, मैं अगस्त में बात कर रहा हूँ आपसे, कई बार पहले भी हुआ है, सबसे कमज़ोर करेंसी मानी गई है रुपया एशिया में। अब इसका एक बहुत ज़बरदस्त दुर्भाग्यपूर्ण विरोधाभास देखिए, एक तरफ तो रुपये की हालत आपने कमज़ोर इतनी कर दी, एशिया में हर प्रकार के देश हैं उनसे भी कमज़ोर हैं हम, और दूसरी तरफ आपका निर्यात भी इतना ख़राब कर रहा है। जब रुपया गिरता है तो एक तो अपने आप ही फायदा हो जाता है, निर्यात अच्छा करता है, लेकिन निर्यात अच्छा तब करेगा जब रियल टर्म्स में भी निर्यात अच्छा हो, सिर्फ रुपये के गिरने से निर्यात नहीं बढ़ता है। तो रुपया गिर रहा है, कमज़ोर हो रहा है, भारत का अपमान भी हो रहा है और निर्यात भी नहीं बढ़ रहा है, इसको कह सकते हैं आप डबल वैमी है। 6 मंथ लो था 71.4 US डॉलर के अगेंस्ट, 13 अगस्त का मैंने आंकड़ा निकाला है, आज 18 अगस्त है, 5 दिन पहले का, सब सर्वमान्य है, सर्वविदित है कि कम से कम 72 तो पहुंच ही जाएगा, तो 56 इंच अब 72 इंच की छाती हो गई है, ये कहीं एक शतक वाली छाती ना हो जाए,
नहीं तो भारत की हालत बुरी हो जाएगी। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं, दो तरह के हैं, FDI और FPI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड FPI इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये मेरा नवा और दसवां हेड है। मैं संक्षेप में कहूँगा, टाइम आगे बहुत ले लिया मैंने, दोनों में ज़बरदस्त गिरावट है। FDI में 7% 7% अप्रैल से दिसंबर गिरा है, 6-8 महीने के पीरियड में। बाकी फिगर्स मैं आपको दे रहा हूँ, मैं बोर नहीं करना चाहता आपको, मेरे पास डिटेल्स भी हैं, इसके ब्रेकअप्स भी हैं। FPIs ने कभी, जिसको कहते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, क्योंकि पोर्टफोलियो इन्वेस्टर वो होता है जो कई सारे लोगों के लिए, उनके बिहाफ पे इन्वेस्ट करता है भारत में, पेंशन फंड्स के लिए एक्सेट्रा, जब वो पुल आउट करते हैं देश से, तो विश्वसनीयता का तो एक ही द्योतक है, लेकिन साथ साथ हमारा मार्केट क्रैश करता है। 9,197 करोड़ निकला है भारत से सिर्फ 7 ट्रेडिंग सेशंस में अगस्त में बाय FPIs। मैं अगस्त के भी 15 दिन की बात नहीं कर रहा, 7 ट्रेडिंग सेशंस इन अगस्त। इक्विटी से 11,134 करोड़ रुपया निकाला गया है, और इसमें भी एक रोचक बात प्रसंग देखिए आप, ये निकालने की प्रवृत्ति और प्रक्रिया कुछ महीनों से चल रही, सब जानते हैं, अखबार में पढ़ते हैं। बजट आता है 5 तारीख को, बजट में इन्हीं FPIs के ऊपर एक सरचार्ज की बात होती है, ये प्रॉब्लम उसके पहले से हो रही थी, तो इस सरकार की सोच, गति और दिशा की बात कर रहा हूं मैं। उस प्रॉब्लम को आप समर्थन दे रहे थे या उसका हल निकाल रहे थे, प्रॉब्लम बढ़ा रहे थे या कम कर रहे थे, और उस बजट के बाद अब आप ज़िगज़ैग सिंड्रोम जिसको मैं कहता हूं कर रहे हैं। हर दिन माननीय वित्त मंत्री अब दिल्ली छोड़कर सब लोगों से मिलने जा रही हैं कि मैं एक्स कम कर रही हूं, तो उसका 1/3 एक्स कैसे जाएगा आपको। नंबर दो, आप दिन हर हफ्ते हर महीने बात करते हैं कि हम इतना बड़ा बना देंगे बजट को, हमारी डेफिसिट कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि हमारा एक और फंड का सोर्स है सेलिंग पब्लिक सेक्टर्स और एलिंग पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं आप। इस बार तो खैर आपने विदेश में भी रेस किया है फंड, लेकिन आप बात करते हैं कि हमारा सब ये डेफिसिट खत्म हो जाएगा, हम सेल करेंगे। जरा कृपया बताएंगे देश को कितने सेल किए आपने, एलिंग और नॉन एलिंग। एयर इंडिया का आज वार्षिक उत्सव हो रहा है, 1 साल पहले उसको ब्लॉक में रखा गया है, तो कहीं ना कहीं आपकी नीति में खोट है, आपकी सोच में खोट है, आपके रूल्स में खोट है। क्या कर रहे हैं उसके बारे में आप, सिवाय भाषण, जुमले, प्रभावशाली वायदे और जमीनी सच क्या है? एक भी महत्वपूर्ण पब्लिक सेक्टर का आपने निवारण किया है सही रूप से? तीसरा, आपने कितनी बार बजट में बात की, भाषणों में बात की? सब लोग मानते हैं, अभी आर्टिकल छपा है परसों भी, कि इस देश में भारत जैसी विकास की लेवल की, जिसको कहते हैं एक विकासशील देश है, डेवलपिंग इकोनॉमी या ट्रांसफॉर्मिंग इकोनॉमी, उसके अनुसार कम से कम शिक्षा पे 6% GDP का खर्चा होना चाहिए। आपके यहाँ है 4.3%। आप 5 वर्ष में इसको धीरे धीरे करके हर वर्ष 0.5% 0.25% बढ़ा के 6% तक क्यों नहीं लाए शिक्षा में? हमने पहले ब्रीफिंग में आपको बता चुके हैं कि कई बार तो आपने शिक्षा में घटत की है उल्टी। सिमिलरली फॉर ए इकोनॉमी ऑफ इंडियाज ट्रांसफॉर्मिंग काइंड, फॉर पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज सपोज टू बी मिनिमम 3%। माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत जबरदस्त घोषणाएं तो की हैं, बीमा योजना से लेके ये स्वास्थ्य का जो नया स्कीम बनाई है। आपको मालूम है कि वास्तविकता हमारी क्या है पब्लिक एक्सपेंडिचर की हेल्थ पे, ये सब योजनाएं मिलाकर 1.4% एज अगेंस्ट द मिनिमम फॉर अ कंट्री ऑफ इंडियाज लेवल 3%। देर आर कंट्रीज ऑफ इंडिया साइज विच स्पेंड 5% 6%, उसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं, 3% भी नहीं है। तो आप जब तक जगलरी करेंगे, जुमलेबाजी करेंगे, आंकड़ों को छुपाएंगे, इस्तीफे लेंगे, सप्रेस करेंगे, प्रकाशित नहीं होने देंगे, तो क्या सच्चाई मिट जाएगी? और जैसा मैंने कहा कि उसमें मैं जाऊंगा नहीं, अभी डिटेल में समय लगेगा, लेकिन एक हम आ गया, अगर आपसे अलग से अवगत कराएंगे कि मोदी 2.0 के आंकड़े अभी मोदी 1.0 से कहीं ज़्यादा रिग्रेसिव और ख़राब दिख रहे हैं। एक उदाहरण करके मैं बात ख़त्म करता हूं।
सरकार के खुद के डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन DIPP, बड़ा वेल नोन डिपार्टमेंट है, डेटा पब्लिश करता है, FDI की ग्रोथ 16-17 में 8% पर गिर गई थी, जिसके लेटेस्ट आंकड़े हैं। उसके प्रीवियस ईयर, दोनों साल मोदी सरकार के हैं, उसके पहले 29% थी, और 29 से 8, और आपको मालूम है कि अब फाइनेंशियल ईयर 19 में कितनी है, यानी 18-19 जो खत्म हुआ मार्च में, इट हैज बिकम 6%, यानी 8 से भी कम हो गई। और तो आपको रिवर्स पे चला रहे हैं गाड़ी क्या? ये है मैन्युफैक्चरिंग डेटा। मैंने आपको और आंकड़े दिए जो दिखाता है कि मोदी 2.0 इससे भी ज़्यादा ख़राब है, लेकिन मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा संक्षिप्त में ये कह के कि ये बहुत गंभीर मुद्दा है, ये राजनीति का मुद्दा ही नहीं है, ये हम सबको कंसर्न करता है, संबंध रखता है, ये एक बहुत घोर आपद धर्म काल कह सकते हैं इसको, फाइनेंशियल इमरजेंसी कह सकते हैं इसको है। एंड एज समबडी सेड, एन इनफिशिएंट गवर्नमेंट विल रिप्लेस रियल इश्यूज विद वर्चुअल वंस टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम इट्स फेलियर्स। बीजेपी हैज क्रिएटेड ए बराज ऑफ वर्चुअल इश्यूज, जो आपको इंटरनेट में वर्चुअल, आजकल वर्चुअल गैम्बलिंग होती है, वर्चुअल चीज, वर्चुअल रियलिटी कर दी है। पब्लिक स्फीयर ऑफ डिबेट्स इज फुल ऑफ वर्चुअल रियलिटी, बट द रियलिटी विच आई एम टॉकिंग अबाउट इज नॉट वर्चुअल, दिस इज द ग्राउंड रियलिटी, एंड द सूनर प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड हिज गवर्नमेंट वेक्स अप टू इट, द बेटर इट वुड बी, एंड यू विल हैव ऑल द फिगर्स विद यू शॉर्टली। थैंक यू। ये कटवा दीजिए, एक वर्ड कटवा दीजिए, NR किस करते हैं, मैंने कटवाया था उसे डाल दिया। ऊपर से करवा दीजिए भाई। देखिए, जनता के बीच में हम निश्चित रूप से जा रहे हैं, जाएंगे, जाते रहेंगे। पर्सपेक्टिव ब्रीफिंग आवश्यक है एक राष्ट्रीय पोडियम से, क्योंकि हमारा संदेश, हम आशा और विश्वास करते हैं कि आपके जरिए कोने कोने तक पहुंचेगा, और ये एक पर्सपेक्टिव है, ये कल की झगड़ा नहीं है, परसों का झगड़ा नहीं है, पिछले हफ्ते का झगड़ा नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल ढांचागत बात है। नंबर दो, आप समझते हैं कि जब हम जाते हैं अपने अभियानों में, अपने पदयात्राओं में, अपने बातचीत में, अपने कैंपेन्स में, तो पहला मुद्दा क्या होता है? रोज़गार। दूसरा मुद्दा क्या होता है? रोज़गार। अब वो रोज़गार चाहे, तीसरा मुद्दा भी वही होता है, वो रोज़गार चाहे ऑटो इंडस्ट्री से हो, वो रोज़गार चाहे इससे रियल एस्टेट से हो, वो रोज़गार चाहे एक्सपोर्ट गिर रहे हैं उससे हो, जनता जनार्दन को इससे कोई मतलब नहीं कि किन कारणों से, लेकिन मैंने आपको 10 हेड्स दिए हैं, घूम फिर के वो आते एक ही चीज़ में, GDP गिरेगा आपका तो रोज़गार कैसे बढ़ सकता है, और GDP इसलिए इस देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और आप, सबसे बड़ी बात इसमें सिर्फ ये नहीं है, देखिए अच्छे समय बुरे समय आते हैं, लेकिन आप झुटला रहे हैं, आप पॉलिटिक्स ऑफ डिसेप्शन कर रहे हैं, आप लुका छिपी कर रहे हैं, आप आंख मिचौली कर रहे हैं, आप दोगली आवाज में बात कर रहे हैं, आप आडंबर और डिस्टोर्शन में लगे हैं। कम से कम ये शेयर तो करिए, आप ये कहें अगर देश को कि साहब हमारे को तकलीफ है, हम 7.5 मान रहे थे, अभी 6.5 पे अटके हैं, और हम 1-2-3 ये करने वाले हैं कि ये 6.5-6 नहीं हो जाए, तो मैं समझता हूँ देश भी समर्थन करेगा आपका, और हम भी सहानुभूति करते हुए, कुछ निंदा करते हुए आपका समर्थन ही करेंगे। हमारा विरोध यह है कि आप तो कहते हैं कि हम स्वर्णिम युग में हैं, पैराडाइज पे चल रहे हैं, और हम पैराडाइज से पैराडाइज के आगे मार्स पहुंच जाएंगे, और सच्चाई यह है कि धरातल से नीचे आप पाताल में पहुंच रहे हैं। तो इसलिए ये बात है मूल मुद्दा कि आप मिथ्या प्रचार बंद करें, और जब तक आप मिथ्या प्रचार करेंगे तो आप अपने पीठ को अपने आप शाबाशी देके इसका हल नहीं कर सकते। यू हैव टू वेक अप एंड स्मेल द कॉफी।